वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज। इस वीडियो में हम अगेन बात करने वाले हैं इंडिगो के बारे में। इंडिगो का स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें जब भी कोई भी सपोर्ट या फिर बेहतरीन रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल बनते हुए लगते हैं उसे आपसे हम पहले से डिस्कस करते हैं, ये हमेशा से हमारी आदत रही है। तो अभी भी इंडिगो में कुछ ऐसे ही लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं जिसे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और इंडिगो में जो अभी लेवल्स हैं उसे आपके साथ डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि ये वाली वीडियो इंडिगो स्पाइस जेट में हमने बनाया था 11 जुलाई को विथ डेट। आप देख सकते हैं जब इंडिगो 1850 से 1860 के करीब में था, इस टॉप लेवल में हमने सजेस्ट किया था, यहाँ पर एडवाइस दी थी कि इंडिगो में एक बड़ी डाउनफॉल आने वाली है, यहाँ से आपको सेलिंग करने के लिए सजेशन दिया था। और इसके बाद इंडिगो में किस तरह से डाउनफॉल आई अगले कुछ ही दिनों में, ये आपके सामने चार्ट में विथ प्रूफ मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी भी वही ट्रेंड लाइन लगे हुए हैं। इस वीडियो में आप जाके ज़रूर चेक करें, इस ट्रेंड लाइन में जब ये जाने वाला था तब हमने आपको इंडिकेट किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया था स्टॉक। इसका हाई जो लगा था वो 1860 का लगा था और एग्जैक्टली यही लेवल हमने आपसे डिस्कस किया था। और उसके कुछ दिनों बाद ही इंडिगो में किस तरह से एक बड़ी डाउनफॉल हुई, ये आपके सामने है। तो इस चीज़ को मेरा आप अभी डिस्कस करने का मकसद यह है कि अभी जो भी लेवल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उस पर आपको पूरी तरह से ट्रस्ट हो पाएगा, क्योंकि ट्रस्ट होगा तभी आप इसका पॉजिटिव वे पे बेनिफिट ले पाइएगा। तो अभी जो लेवल्स हैं इंडिगो में वो सपोर्ट लेवल है, जो कि आपको नोट करके रखना ज़रूरी है, जो कि है इसमें ट्रेंड लाइन अभी लगा है बट इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे ये वाली ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो जो इसमें सपोर्ट लेवल है और जहाँ से ऑलरेडी बार बार आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 पाँच दिनों से इसी सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर करके यहाँ से स्टॉक अटका हुआ है या तो थोड़ा सा रिवर्सल ले रहा है। तो जो सपोर्ट लेवल है वो है 1647 1639.55। ये सपोर्ट लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इंडिगो के लिए। जिस तरह से ऊपर से डाउनफॉल हुई और स्टॉक लगातार गिरने के बाद इसी रेंज में आके अटक चुका है और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि बार बार रिवर्सल ले रहा है, तो इस लिहाज से 1647 1639.55 बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लेवल है। अगर इस सपोर्ट लेवल के करीब में आने की कोशिश करता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में भी, तो भी आप यहाँ पर बाइंग करने की सोच सकते हैं। जब तक 1639 का लेवल ब्रेक नहीं करता है डाउन साइड में, इसके नीचे में फिर से कोई बड़ी गिरावट की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जब तक ब्रेक नहीं करता है आप बाइंग करने की सोच सकते हैं। और जिस दिन डाउन साइड में और ब्रेकआउट कर दे तब आप बाइंग को अवॉइड करें। तो आई होप आपने लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा। और जिस तरह से ऊपर के लेवल में हमने आपको सेलिंग सजेस्ट किया था उसी तरह से ये नीचे के लेवल में हम बाइंग सजेस्ट कर रहे हैं, बट जब भी कोई लेवल्स ब्रेक होता है तो उसे उस पोजीशन से निकल जाना भी पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1639 का लेवल आप नोट करके रखें, इसके नीचे में जिस दिन ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देगा आप बाइंग को अवॉइड कर सकते हैं। तो आई होप आपने लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा। और इस तरह का जो एडवांस में लेवल है वो हम अलग अलग स्टॉक में अलग अलग टाइम में जब जैसे कि ये टेस्ट होने वाले रहते हैं तब डिस्कस करते हैं पहले से, तो उसका आप बेनिफिट लेने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें।